नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम कुचाई के जंगलों में हैं। अभी दोपहर के 1:30 बजे हुए हैं और आज मैं इस पहाड़ पे चढ़ने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसीलिए जो यहाँ का ऊंचाई है वो पता नहीं चल रहा है। इतना ऊंचा है, चलिए जहाँ तक सकेंगे जाएंगे। रास्ता नहीं है क्या? रास्ता है तो नहीं, सिर्फ शॉर्टकट चाहिए। सीधा सीधा क्या सांप उप नहीं होगा ना? जंगल में बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, जंगल में तो बहुत कुछ हो सकता है। ओ बाप रे, चिरचिट्टा। हाँ, आधा काट के साफ कर दिया। हाँ, अरे अच्छा, लेकिन अंदर में मतलब खुला है वहाँ पे। बस उधर लग रहा है कि बहुत सारे पेड़ पौधा है, लेकिन इधर खुला खुला है ना? चढ़ सकते हैं, देखेगा थोड़ा सांप बिच्छू से बच के। ये हमारे सर हैं, मैं साथ में हूँ इनके, यहीं के लोकल हैं, तो ये मुझे गाइड भी कर रहे हैं, साथ भी चल रहे हैं। अरे बाप रे, इतना में थकान लगने लगा। यहाँ से आप यहाँ से सटे हुए दूसरे जंगल का व्यू देख सकते हैं, कितना शानदार नज़ारा है। वहाँ चढ़ने के लिए और टाइम चाहिए होगा ना सर? लोग, अरे रोड तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, रोड बगल में ही है, जस्ट 100 मीटर भी हम लोग चढ़े नहीं है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, इतना सारा झाड़ी है यहाँ पे। ये चट्टान होते हुए हम लोग चढ़ेंगे। ओह, बड़ा बड़ा चट्टान। अच्छे से सर स्लिप होगा नहीं तो आराम से अभी दूर तक जाना है। हाँ, एक्सरसाइज हो जाएगा सर, यहाँ तो एक्सरसाइज हो जाएगा। बारिश हुआ है तो थोड़ा गीला है मिट्टी ना। हाँ, ऊपर गीला है, नीचे तो सूखा है। हाँ, यहाँ पीछे में देखिए बड़ा सा चट्टान है। यहाँ पे हम लोग बैठ भी सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं ना सर? कुछ लाए तो नहीं है, अरे काफी ऊपर चढ़ गया, लेकिन काफी ऊपर चढ़ गया सर। देखिए ना, नीचे देखिए। हाँ वही तो, मतलब पता नहीं चल रहा है, ऊंचाई काफी है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये जो जंगल है गालुडी में स्थित है, जो कि कुचाई ब्लॉक में आता है। यहाँ पर पहले काइनाइट की खदानें थी, जो अब बंद हो चुकी हैं। हालांकि खुदाई करने पे अब भी यहाँ पे काइनाइट मिलेगी, लेकिन सरकार की तरफ से लीज बंद है, जिसके चलते यहाँ पे खुदाई बंद हो गया है। काफ़ी दूर आ चुके हैं, थक भी गए, क्योंकि पिछले बार मैंने देवमाली ट्रैकिंग किया था, जो कोरापुर गया था वहाँ पे, और उसके काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे चल रहे हैं। हाँ, ओ देखिए किस तरह का नज़ारा है यहाँ पे। आप मेरे पीछे साइड देख सकते हैं, कितना ही सुंदर नज़ारा है। पहन लेते हैं, बनाइए। ये कोई बाप रे, अरे कांटा है, कांटा है। ये क्या है सर? साल है ना? ये हमारे दातून के काम आएगा। चश्मा से मजा नहीं आ रहा, बारिश है ना, भीगा भीगा। चाबी को अंदर में हम रख देते हैं। मस्त मस्त चट्टान है, लेकिन
कौन सा पौधा है? बहुत मस्त, देखिए ना, देखिए तो इसका जो है पूरा तना से टूट गया है कि काट लिया है पता नहीं, लेकिन ये फिर से उग रहा है अभी, है ना, मस्त मस्त है। चलिए चलिए सर, चलिए हेलो, हाँ बोल, एक तो बहुत दूर सर, यहाँ पे तो बहुत सारा पत्थर है, बोल बोल, ऊपर तो पूरा खाली खाली है, खाली खाली है, पत्थर है खाली। अरे यार क्या मस्ती है, गजब गजब है यार, इतना मस्त लग रहा है, उफ ऊपर है, ऊपर ये देखिए, बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा ऊपर जाना है हम लोग को, देखिए ना उधर दिखाइए तो वीडियो, आप पीछे देख सकते हैं कितना मस्त नजारा है, आइए यहाँ एंजॉय कीजिए, यहीं पे पिकनिक करने आएंगे क्या सर? ओह इतना बड़ा चट्टान, सबसे ऊंची छोटी ऊंची नहीं पहुंच गए छोटी पर, टॉप पे पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे क्या घास है सर? ये सब ऐसी जंगली घास है, होते रहते हैं। उस रे ओह गॉड, यहाँ पे दिखाइए आइए एक बार, यहाँ पे अगर हम लोग चिल्लाएंगे तो मुझे लग रहा है कोसों दूर तो सुनाई देगा, रे सर पकड़े थे एक बार, क्या व्यू है भाई, यहाँ तो कुहासा छाया हुआ है इसीलिए उतना ज्यादा क्लियर आ नहीं रहा, लेकिन लाजवाब दोपहर के 1:30 बजे आए हैं भाई, लेकिन नज़ारा देखने को मिले, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही घास उगे हुए हैं अभी, हालांकि बारिश का सीजन के बाद का है और थोड़ा ऊपर बाकी है चढ़ना, हम लोग तो थक गए हैं पूरा, स्कूल दिखेगा रुके ना, देखो थोड़ा देखिए सर अच्छे से, इतना ज़्यादा झाड़ी है घास है सर, अब बड़ा बड़ा चट्टाने आने लगी है, इतने अच्छे क्या मस्त लग रहा है यार, यहाँ पे सांप भी हो सकते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा चट्टान, एक वो तालाब है क्या सर दूर में, गालुडी कहाँ है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, स्कूल भी दिखाई नहीं दे रहा, वो बस दूर में एक बड़ा सा तालाब है, अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ है इसीलिए यहाँ वहाँ पानी जम गया है, एक फोटो ले सकते हैं, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से 7 पहाड़ी नजर आएंगे आपको, 7 पहाड़ियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूर में है, लेकिन ये कैमरे की लेंस में आपको पता नहीं चलेगा, खुली आंखों से देखा जा सकता है, 7 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, हम लोग और थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे अभी, ये कौन सा पेड़ है सर? पीपल है, पीपल है ना, हाँ हम लोग और थोड़ा ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है चलिए सर, टॉप व्यू, मेहनत के बाद आया इधर, अभी लग गया पूरा, हाँ एक यहाँ से लीजिए मस्त, इधर से लेकिन उतने से बहुत ज्यादा पत्थर है सर, दिक्कत होगा,
उधर से नहीं उतरेंगे, उधर उधर से उतरेंगे। थक गए ना सर। चले भाई साहब, आपको एक नज़ारा यहाँ का दिखा देता हूँ। मैं अभी सबसे टॉप में हूँ इस हिल का, इस पहाड़ी का सबसे टॉप जगह में हूँ, और यहाँ से आपको एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा पूरा 360 एंगल में। इस तरह से है, इस साइड जाएंगे तो आपको ऊँचाई पड़ेगा, ऊँचाई मिलेगा। और ये दूर दूर में गाँव गाँव स्थित है जो दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर कैप्चर नहीं हो पा रहा है। हालाँकि नज़ारा बहुत मस्त है, और यहाँ पर हर एक प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे दूर में देखिए एक पीला कलर का पत्ते सब हैं। नज़ारा तो देखने लायक है। हालांकि मैं अभी टॉप में हूँ इस हिल का, तो इसीलिए आपको यहाँ पे बस चट्टान ही दिखाई देंगे। ये इस साइड गांव है, इस साइड दूर में पदमपुर गांव है। ये सब खेत हैं, और थोड़ा सा और दाएं तरफ मैं लेके जाऊं इसको तो आपको यहाँ पे गालूडी रेगाड़ी गांव मिलेगा। यहाँ के तो पेड़ पौधे बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये था यहाँ का नज़ारा। देखिए मैं कैसे पसीने से तरबतर हो गया हूँ यहाँ पे चढ़ने के बाद। आपको एक छोटा सा सुझाव रहेगा, आप यहाँ आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, मतलब अकेले ना आए, थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ का जो चढ़ने के लिए ट्रैकिंग के लिए पत्थर है वो रास्ते के रूप में नहीं है, सही रूप से नहीं है। आपको रास्ता वैसे दिखाई नहीं देगा, बस पत्थर पत्थर अपने अंदाज से आना पड़ेगा। तो मैं ये सजेशन आपको देना चाहूँगा कि आपको यहाँ आने से किसी को साथ में लेकर आइए, जो लोकल यहाँ के बसिंदा हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। आप अकेले आने के यहाँ पे कोशिश ना करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे आ सकते हैं लेकिन हो सकता है आप भटक जाएंगे, क्योंकि ये छोटा सा पहाड़ नहीं है, यहाँ पे सात पहाड़ी है जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है। हालांकि और पिकनिक के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होगा सब सामान ऊपर लाने के लिए और साथ में आपको पानी भी लेकर आना होगा, क्योंकि पानी का कोई साधन नहीं है, और हम लोग भी पानी लेकर अभी नहीं आए हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ बस मस्ती ही कर रहे हैं, अभी कुछ देरी हो गया, 10-15 मिनट हो गया करीब, हम यहाँ पे सिर्फ मस्ती ही कर रहे हैं। खाने पीने का लेके भी आते तो हो जाता कुछ, खा पी के जाते तरह के कुछ कुछ जो छोटे छोटे झाड़ियों के रूप में हैं, और हालांकि इसमें फूल उगाए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आपको एक पेड़ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा दूर में स्थित है ये, कौन सा पेड़ है पता नहीं, मुझे इसका नाम पता नहीं है। और इसका सर ये नाम क्या है इस पौधा का, देखिए तो इसका जो छाल है अपने आप उखड़ के गिर रहा है और ये पूरा सफ़ेद दिखाई दे रहा है। आप में से कोई अगर इस पौधे का नाम जानेंगे तो कमेंट करके आप बताएंगे ज़रूर, मुझे भी इसका नाम जानना है, बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा ही वाइट है। आमतौर पर ऐसे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सबका छाल तो उतरता है, लेकिन ये थोड़ा बिरला दिखाई दे रहा है हमको। सफेद पेड़ बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम लोग, चंदन उंदन है क्या सर? नहीं सर। कितना मस्त लग रहा है एकदम, यहाँ पे ठंडा लग रहा है, हालांकि पसीना जरूर आ रहा है लेकिन ठंडा भी लग रहा है। मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है तू। यार इतना पसीना है, पानी जैसे पसीना निकल रहा है यहाँ पे, लेकिन गर्मी का एहसास उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मध्यम गति में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और अभी हम लोग झाड़ी में और यहाँ के छाँव में बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग थक चुके हैं, और इसके कुछ देर बाद यहाँ पे थोड़ा मस्ती करने के बाद नीचे उतर जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। तुमसे कम नहीं, टूट जाएगा सर, तुम फ्लेक्सिबल है क्या, रबड़ वाला है क्या सर? हम लोगों ने काफ़ी देर यहाँ पर समय बिताया अपना, और अभी जाने का समय हो गया है। हम लोगों ने करीब यहाँ पे आधा घंटा पौने घंटा का समय लिया, यहाँ पे जितना भी जगह है थोड़ा देखा,
और अभी उतरने का समय है, अब यहाँ से हम लोग उतर जाएंगे। कमाली जो गए थे ना सर, ऐसे ही वहाँ पे इससे और ऊंचा है वहाँ पूरा, फिर मस्त लगता है सर, पूरा गांव 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 अंदर में जो है और पूरा खेत तो सब एकदम मस्त मस्त लगता है। आशा है आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। अच्छे से धीरे धीरे चढ़ने का समय चढ़ लिए, लेकिन अभी जाने का टाइम में थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि ढलान है ना, गिर उड़ जाएंगे, हो सकता है मैं बैठ जाता हूँ। अगर आपको लगता है कि इस तरह का कुछ वीडियो आपके सामने मैं प्रतिदिन लाऊं, कुछ नया नया डेस्टिनेशन दिखाऊं इस क्षेत्र का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओ बाप रे, पत्थर पत्थर इतना सारा घास है यहाँ पे, है ना। हाँ नहीं, इधर से कोई भी चलिए ना, रास्ता तो है नहीं, कहीं से भी चलिए, बस नीचे ही उतरना है। सांप वगैरह तो कुछ दिखा नहीं अभी तक हम लोग को, शायद बारिश का सीजन के बाद हम लोग आ रहे इसीलिए नहीं दिखा, है ना। हाँ अभी नहीं निकला होगा, पसीना बहुत निकल रहा मेरा, आपका तो निकला नहीं उतना। अब ऊपर में जैकेट पहने हुए फिर भी सुबह के लिए सर, ये है ना क्या बोलते हैं इसको, तिरिल, तिरिल ना, ये केंदू, केंदू, हाँ तिरिल, केंदू, केंदू, इससे भूत भगाते हैं ना। सही बोले। इससे भूत भगाते हैं, बारूद बनता है इसको, बारूद जैसे बनता है सर। जलाइएगा ना पूरा, इधर से आए थे सर हम लोग, कोई बात नहीं, इतना भारी भरकम शरीर, बाप रे, मजा तो आ रहा लेकिन सजा भी मिल रहा है इसका। कौन सा फूल है, बड़ी मस्त लग रहा। अरे मकड़ा, मकड़ा जाल चेहरा में छप गया पूरा, ये फूल बहुत मस्त लग रहा है, देखिए तो। नाम जानते क्या इसका? ना सर। क्या फूल हो सकता है, पता नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए तो। जंगल के पेड़ पौधे हैं। हाँ। अच्छे लग रहे हैं लेकिन, बहुत मस्त है, ले जाइए चलिए इसको। चलिए। मंगल मंगल, समझ में नहीं आ रहा इतना घूम रहे हैं। पहले चढ़े थे तो जल्दी पहुंचे थे जैसे लगा सर, ऊपर हम लोग ना उधर से इधर आ रहे हैं। इसमें लाल चींटी है, तोड़ दें क्या घर इसका, घर तोड़ दें इसका, लाल चिंटी का निकल जाएगा। ओ नहीं है सर, निकल गया है, निकल गया है। को तोड़ी सर। हाँ, इसका चटनी बनाया जाता है भाई लोग, झारखंड के जितने भी रहने वाले हैं आप सभी तो जानते ही होंगे, जो झारखंड के नहीं रहने वाले हैं वो भी कई कई जानते होंगे, क्योंकि लाल चटनी, लाल चिंटी का चटनी बनाया जाता है, बहुत ही मजेदार लगता है, बहुत ही खट्टा, थोड़ा सा खट्टा लगता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है, और यह दवाई के रूप में भी काम आता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा खांसी हो गया है, पुराना सा पुराना खांसी हो, किसी भी प्रकार का खांसी हो, वो भी सिर्फ दो दिन में ठीक हो जाएगा, इसका मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैं इसको खुद यूज किया हूँ। और जब मैं, मुझे कोरोना हो गया, तो कोरोना के बाद मेरा खांसी ठीक नहीं हो रहा था, तो काफी दिनों तक मैं खांसी रहा था, तो फिर मुझे याद आया कि लाल चींटी खाना चाहिए, तीन चार दिन तक मैंने इसको लगातार खाया, तो तीन चार दिन के बाद मेरा थोड़ा थोड़ा खांसी ठीक होने लगा, रिकवर होने लगा, तो फिर मैंने और भी खाया, तो उसके बाद पूरा पूरी खांसी ठीक हो गया था। तो मुझे जब ये मैं पहले इसको सुना था बस कि खांसी ठीक होता है, लेकिन जब मैंने खुद से यूज किया तो मुझे इसका एहसास हो गया, और ये हाँ, ये मैं अभी बोल सकता हूँ, दवा के साथ बोल सकता हूँ कि ये खांसी में काम आता है, धन्यवाद। आइए देखिए दोस्तों, ये है बिसरपी लता, इसको लता बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं किताबों में साग सब्जी के बारे में, लता के बारे में, आरोही, सॉरी क्या याद नहीं आ रहा अभी, जो भी है
तो इसको लता बोलते हैं। ये अपने सहारे ऊपर नहीं चढ़ते, किसी का दूसरे का सहारे ऊपर चढ़ते हैं और ये बड़े होते हैं। इसको तोड़ना बहुत ही थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि ये इधर उधर से पूरा झाड़ी का रूप ले लेते हैं। और ये कौन सा लता है मुझे तो मालूम नहीं है। फूल कहाँ गिर गया सर हम लोग? दूसरे तरफ से ना, हम लोग इधर से चढ़े थे, लेकिन आते टाइम उधर से आए घूम घूम के, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चला था इतना ज्यादा। इधर से आए तुम लोग, देखें इधर साफ हो गया, हाथ कट जाएगा इसमें से। हम नीचे उतर चुके हैं, बहुत बरगद का पेड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बरगद का पेड़ पहुंच गया सर, हम लोग रोड पहुंच गए। हाँ रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। रखा हुआ पत्थर दिखाई सामने से थोड़ा, क्या चीज है पत्थर? ऐसे मतलब ओ बेलूल चलाने आया होगा ना वही लोग, बच्चा लोग बनाया, हाँ, बच्चा लोग ना, बच्चा सब बनाया होगा। पिरामिड, पिरामिड हाँ, तोड़ दें क्या? रहने, पता नहीं कौन बना के चले गए। तो दोस्तों आज था ये वीडियो कुचाई का है और देगाड़ी गाँव का है, और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग रोड पहुंच गए हैं और यहाँ से अब हम लोग घर के लिए जाएंगे, आपसे विदा लेना चाहेंगे और कुछ नहीं।